हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे RRC की तरफ से न्यू वैकेंसी एज अ अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले इसका एडवर्टाइजमेंट आपको बता देता हूँ, फिर बताऊँगा कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एडवर्टाइजमेंट में आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसका जो है नोटिफिकेशन नंबर है RRC WR 1/2022। अप्रेंटिस डेट है जिसकी 26/5 और स्टार्टिंग डेट है 28/5। ठीक है, तो 28/5 मतलब 28 मई आज से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 27 जून इसकी लास्ट डेट है। तो 27 जून को शाम के 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इंपॉर्टेंट का हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो है वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, आप ऑनलाइन ही अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। वेस्टर्न रेलवे इन्वाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड एप्लीकेंट फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट द 3612 स्लॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3612 वैकेंसी निकली है, 3612 वैकेंसी है जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे 2022-23 के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन की हम बात करें यहाँ पर, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें एज की, तो मिनिमम आपकी एज 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 24 साल होना चाहिए। तो जो आपका एज कैलकुलेशन होगा वो 27/6/2022 के हिसाब से होगा, मतलब 27/6 को आप कितनी एज के हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो SC ST को 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब PWD पर्सन है तो यहाँ पर 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप एक सर्विस मैन है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मैटर करेगा अगर आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो क्राइटेरिया, ठीक है, और कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पर कब से कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर ले, कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 26/5/2022 तक आप जो भी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आप पास आउट होना चाहिए, मतलब आप पास कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन की हम बात करें सबसे पहले तो आपका 10th होना चाहिए, 10th प्लस 2 एग्जामिनेशन पद्धति से 50% के साथ में, और इसके साथ में आपका ITI होना चाहिए NCVT या SCVT में। ठीक है, तो आपका जो रिलेवेंट ट्रेड है वो होना चाहिए, जैसे फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक। तो यहाँ पर हर तरह के फिटर के लिए हर तरह की जॉब अवेलेबल है, हर तरह की वैकेंसी निकली है। तो आपका जो भी फिटर है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकायदा बस आपको एज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कितनी फ़ीस लगने वाली है वो चलिए हम उसकी भी बात करते हैं आगे, और क्या यहाँ पर आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। आप वीडियो को लाइक करते चले। पेमेंट ऑफ फीस की हम बात करें यहाँ पर तो 100 रुपये का चार्ज लगेगा उन लोगों के लिए जो कि SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट से बाहर है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST या PWD या वुमेन कैंडिडेट, उनका यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट बचते हैं मेल कैंडिडेट, उनका यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज लगने वाला है, मतलब जनरल कैटेगरी और OBC और EWS कैटेगरी से। ठीक है, तो आपका 100 रुपये का चार्ज यहाँ पर लगेगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके यहाँ पर लगने वाले हैं और ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे करना है, मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या है। तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन की हम बात करें यहाँ पर तो ट्रेनिंग और जो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर मोड ऑफ़ सिलेक्शन होगा आपका 10th के परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड की हम बात करें यहाँ पर तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर 1 साल का रखा गया है, 1 साल तक आपको ट्रेनिंग एज अ अप्रेंटिस के तौर पर दी जाएगी। स्टाइपेंड की हम बात करें तो जो भी अप्रेंटिस को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो दिया जाता है वही आपको दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, RRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर RRCWR.com पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें SSC की मार्कशीट मतलब 10th की मार्कशीट लगेगी, ITI सर्टिफिकेट लगेगा,
कम्युनिटी मार्कशीट लगेगी और कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा और आपका फ़ोटो और साइन लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास में यहाँ पर कैसे कैसे आपको स्टेप जो है फॉलो करते जाना वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और यहाँ पर जो है फिटर वाइज सॉरी ट्रेड वाइज वैकेंसीज दी गई है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको rrcwr.com सर्च करना है या फिर इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुलकर आएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्रेंटिस नोटिफिकेशन नंबर RRCWR01/2022, इसी पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन और एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो सेकंड ऑप्शन आप चूज़ करें, अगर आपको अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करें। तो चलिए हम आप पे बात करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिस के लिए आएगा, लॉगिन का पेज है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। अब अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल सा नीचे आना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आर यू अ न्यू एप्लीकेंट। ठीक है, तो आर यू अ न्यू एप्लीकेंट मतलब अगर आप नए एप्लीकेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है क्लिक हियर टू रजिस्टर वाला, इस ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, इसमें आपको क्या क्या फिलअप करना है चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन वेस्टर्न रेलवे 2022-23 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग टू, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना, मतलब अपना राज्य सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दें, अगर नहीं है इनरोलमेंट नंबर है तो आप इनरोलमेंट नंबर से भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आधार कार्ड प्रूफ होना चाहिए, मतलब या तो इनरोलमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए या फिर आधार नंबर होना चाहिए। तो आधार कार्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आधार नंबर डाल दें, फिर आपको अपना फुल नेम डालना है, फिर फादर नेम डालना है, उसके बाद जेंडर और फिर कम्युनिटी आपको अपनी डालनी, जो भी कम्युनिटी है SC ST OBC जनरल, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, फिजिकल हैंडीकैप अगर आप है तो यस नो करें, उसके बाद आप एक सर्विस मैन है तो यहाँ पे यस नो करें, उसके बाद ITI की डिटेल डालनी, मतलब कौन सा ट्रेड से आपने ITI पास आउट किया है, और एप्लीकेशन फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड भी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। कब आएगा, जब आप यहाँ पर छोटा सा चेकबॉक्स पर चेक मार्क लगाएंगे और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो अभी भी एडिट कर सकते हैं, अगर आप कोई से कोई गलती होती है तो। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल सा रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, योर रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर एंड पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। तो आपने जो भी ईमेल आईडी डाली थी उसी ईमेल आईडी पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको जो है मिलेगा, वही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो आपको अपना सिंपल सा यहाँ पर एक ही फंडा है कि आप अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी दे वो सही सही डालें, क्योंकि उसी पर आपका आईडी पासवर्ड आएगा। अगर आप गलत डालेंगे तो आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड जो भी आपकी ईमेल पर आया, आप अपनी ईमेल आईडी चेक करें, ईमेल आईडी चेक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और पासवर्ड उसी के नीचे दिखाई देगा, तो वही आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, अब यहाँ पे ऑप्शन है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसी मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, एक OTP आएगा 6 अंक का, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होता है। ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सही सही डालना है। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास यहाँ पर OTP आ जाए, वो OTP 6 अंक का रहेगा, OTP आपको यहाँ पर डालना है और जो है वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। पासवर्ड चेंज करना इन द सेंस मतलब आपका जो ओल्ड पासवर्ड जो आपके ईमेल पर आया है पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। सबसे पहले ओल्ड वाला पासवर्ड आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद नया पासवर्ड आपको डालना है। नया पासवर्ड ऐसा डालना है जो आपको याद रह सके और कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर पाए, तो आप यहाँ पे नया पासवर्ड डाल दें अपने हिसाब से जो भी आप डालना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको री इंटर योर पासवर्ड, तो आपको वापस नया पासवर्ड फिर से एक बार डालना है और डालने के बाद आपको सिंपल सा अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप फिर से लॉगिन वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे फिर से लॉगिन वाले पेज पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डालना है फिर से सिंपल सा अपनी ईमेल आईडी पर देखकर, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आईडी डालने के बाद आपने जो नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है,
तो नया पासवर्ड आपको याद होगा आपने बनाया अभी, तो वही पासवर्ड आपको सिंपल से यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन कर लेना है। अब जैसे लॉगिन करेंगे तो आपकी यहाँ पर डिटेल खुलकर आएगी, जो भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरी थी, ठीक है। तो आपको सिंपल सा पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपकी लॉगिन डिटेल आ जाएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सारी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर भरना है। सबसे पहले आपको कौन सा डिवीज़न यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर लें, फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले 10th की डिटेल डालनी है, कहाँ से आपने 10th पास आउट किया, कितने परसेंटेज है, कब से कब तक किया, कौन से ईयर में किया, तो सारी डिटेल आपको डालनी है। फिर आपको एड्रेस डिटेल डालनी है, आपका सिटी, पिन कोड, स्टेट वगैरह सब डालना है। उसके बाद टेक्निकल डिटेल डालनी, टेक्निकल डिटेल में ITI की डिटेल डालनी है, आपने कौन से फिटर से कौन से ट्रेड से किया है, सारी डिटेल आपको डालनी है। और सेवन प्रोसीड करना है, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे।